नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के एक निजी चिकित्सालय में गैर कानूनी तरीके से ऑपरेशन द्वारा की गई डिलीवरी के बाद जच्चा महिला की हालत बिगड़ने से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने झोलाछाप डॉक्टर से ऑपरेशन कराने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल संचालक को हिरासत में ले लिया। मीरापुर थाने के गांव खेड़ी सराय निवासी हरीश की पत्नी अंजू की डिलीवरी होनी थी, जिसके चलते 15 अगस्त को हरीश ने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए मीरापुर की भूमा रोड पर चल रहे एक निजी चिकित्सालय न्यू भारत हॉस्पिटल में अपनी पत्नी को भर्ती कराया था। आरोपी के दौरान संचालक डॉक्टर लाल खां और शादाम ने उसकी पत्नी की डिलीवरी मेरठ के प्रशिक्षित सर्जन से कराने की बात कहकर 15,000 रुपए ऑपरेशन की फीस जमा करा ली, किंतु आरोपी के इसके बाद झोलाछाप डॉक्टर से उसकी पत्नी की डिलीवरी करा दी गई। इस दौरान अंजू ने बच्ची को जन्म दिया, किंतु डिलीवरी होने के कुछ समय बाद अंजू की हालत बिगड़ गई, जिस पर अस्पताल संचालक उसे मेरठ ले गए और यहां पर अस्पताल में भर्ती करा दिया, किंतु 3 दिन तक भी अंजू की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो परिजनों ने उसे न्यूटिमा अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां से चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत बताते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया, जहां जच्चा अंजू जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इसी बात से नाराज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पूर्व प्रधान मानवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में शनिवार को न्यू भारत हॉस्पिटल पहुंच गए और अस्पताल संचालकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कुछ देर बाद भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला प्रवक्ता समर सिंह चौधरी और ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी ग्रामीणों के बीच मौके पर पहुंचे और अस्पताल पर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर कस्बा इंचार्ज देवपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, किंतु ग्रामीण अस्पताल संचालक और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर डटे रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने जानसठ सीएससी प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार को मामले की सूचना दी, किंतु उसके बावजूद भी वह मौके पर नहीं पहुंचे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस अस्पताल संचालक लाल खां को भी थाने ले गई, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ भी थाने पहुंच गई। पीड़िता अंजू के पति हरीश ने आरोपी अस्पताल संचालक समेत 4 के विरुद्ध तहरीर दी है। इस मामले में सीएससी प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से उपचार करने की अनुमति देकर इस अस्पताल की सील खोली गई थी। उक्त अस्पताल ऑपरेशन करने के लिए ऑथराइज नहीं है, अस्पताल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन कराने के बाद ही जैसे ऑपरेशन हुआ तुरंत उनको फीवर हो गया, तुरंत फीवर होने के बाद इनका पेट ऐसे कर रहा था, मतलब ऐसे रखते है ना जोर जोर से ऐसे हो रहा था। उसके बाद अगले दिन ही इन्होंने रिपोर्ट कराई दूसरी, जैसे रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं, टेस्ट होने के बाद उसमें जो TLC रिपोर्ट है वो 48,000 आई थी। ये बोलने लगे कि भाई जबकि नॉर्मल 11,000 होती है 12,000 होती है, ये बोलने लगे कि भाई पेशाब नहीं आ रहा, पेशाब के कारण हमें मेडिसिन हाई देनी पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ सकता है, हमें मेरठ भी ले जाना पड़ सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेडिसिन चलाओ। इन्होंने पता नहीं मेडिसिन कैसी दी कैसे नहीं, वो पेशाब नहीं आया। ये रात को 10 बजे मुझे बोलने लगे कि आपको इसको मेरठ ले जाना पड़ेगा, आपकी वाइफ को मेरठ ले जाना पड़ेगा। मेरठ ले गए वेदांत हॉस्पिटल में, वहाँ पे 1 बजे तक हम पहुँचे, रात को 12:30 बजे तक। 12:30 बजे के बाद हमने उसको एडमिट कर दिया। एडमिट होने के बाद वो रात को मैं मिलने के लिए गया आईसीयू में एडमिट हुई हूँ। जैसे ही वहाँ गए, मतलब कि 1 बजे मैं गया मिलने के लिए, तो वो बेहोश थी, कोई ना कोई बात बोल रही थी, कुछ नहीं। सुबह ही उनका फ़ोन आया आईसीयू से मेरे पास कि आपकी वाइफ को वेंटिलेटर पर लेके जाना पड़ेगा, सिग्नेचर कर दो यहाँ आगे। वहाँ पे और हालत बिगड़ गई, फिर हमने वहाँ पे शाम तक रख दी। वो बोलने लगे डायलिसिस होगी, आप यहाँ पे बिल जमा करो डायलिसिस होगी। उसके बाद फिर हमने वहाँ शाम तक रखी, शाम तक देखने के बाद वहाँ हालत और बिगड़ती गई, ज़्यादा ही सीरियस होती गई। हमने वहाँ शाम को फिर डिस्चार्ज कराया, लामा ले लिया। उसके बाद हमने फिर न्यूटिमा हॉस्पिटल में एडमिट किया। न्यूटिमा हॉस्पिटल में खैर उसके हाथ पैर थोड़े, हाथ भी चल रहा था, पैर भी चल रहे थे, सांस भी आ गया था। उसके बाद वहाँ का थोड़ा बिल जो था वो हम एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक दिन का 70-80 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा था वहाँ पे। अब उन्होंने बोल दिया कि आप इतना बिल नहीं एफर्ट कर पा रहे तो आप एम्स ले जाओ, एम्स रेफर कर दिया उन्होंने। अभी भी वो जुगितु है, ना बोल पा रही, ना उसके हाथ चल रहे, ना पैर चल रहे, कुछ नहीं चल रहा, बस जुगितु पड़ी है। आप क्या चाहते हो? हम तो इनसे चाहते हैं कि इन डॉक्टर का नाम दो जिन्होंने ऑपरेशन किया है, जिन्होंने सुन किया है। और ये बोल रहे थे कि 2 लाख रुपये में फैसला लिमिट डालो, ये बोल रहे हैं। मैं इनके आदमी को मार दूँ, मैं 2 लाख दे दूंगा अभी इनको, ये बोल रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि अब हरम मुझ ले लो पैसे, अभी अंदर अंदर बोला रहे हैं, अभी अंदर बोल रहे थे कि हरम मुझ ले लो पैसे। जैसे पब्लिक आ गया मामला देता है, ये बात किसने कही यहाँ पर? मारूफ नाम का लड़का है, वो बोल रहा है कि मेरा मुंह ले लो पैसे, अब पब्लिक आ गया यहाँ, अब हम नहीं देते गुब्बा भी। मारूफ नाम का लड़का जो अंदर है, मैंने सुनी उसकी बात अभी। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।